नमस्कार, टारगेट विद आलोक के साप्ताहिक करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्र। अपने इस खास बुलेटिन में हम बीते सप्ताह की उन सभी खबरों पर नजर डालते हैं जिनका सीधा सरोकार आपकी परीक्षाओं से होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास करंट बुलेटिन को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रीवा में 4,000 करोड़ रुपये से बने एशिया के सबसे बड़े 750 मेगावाट के सौर परियोजना का उद्घाटन किया। रीवा में बने इस परियोजना के निर्माण की आधारशिला साल 2017 में रखी गई थी। 1500 हेक्टेयर में फैले इस सौर प्लांट के भीतर 250 मेगावाट की 3 सौर इकाइयां हैं। इसके अलावा 5000 मेगावाट की 6 परियोजनाएं अभी निर्माणाधीन हैं। इस परियोजना की 76% बिजली मध्य प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों को दी जाएगी, जबकि 24% बिजली दिल्ली मेट्रो को चलाने के लिए दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने लंदन में हो रहे भारत वैश्विक सप्ताह 2020 को संबोधित किया। इस सम्मेलन का थीम बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड रखा गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत की व्यापार एवं विदेशी निवेश प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करना है। इस कार्यक्रम का आयोजन यूके स्थित इंडिया इंक समूह द्वारा वार्षिक तौर पर किया जाता है। इस सम्मेलन में 30 देशों के 5,000 वैश्विक प्रतिभागियों ने एक साथ भाग लिया। यह सम्मेलन 9 जुलाई से शुरू होकर आज यानी 11 जुलाई को खत्म होगा। इस आयोजन से देश में बेहतर निवेश को बल मिलेगा, वहीं रक्षा एवं सुरक्षा क्षेत्र में तकनीकी को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने देश का पहला सोशल मीडिया एप्लीकेशन लॉन्च किया था। एलिमेंट्स नाम का यह एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसे आधिकारिक रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च किया। इस मौके पर आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर भी मौजूद थे। हाल ही में वैवाहिक बलात्कार का अपराधीकरण, यौन अपराधों के लैंगिक तटस्थता से लेकर इच्छा मृत्यु को वैध बनाने और राजद्रोह की परिभाषा पर पुनर्विचार करने हेतु गृह मंत्रालय 5 सदस्यों वाली एक विशेष समिति का गठन किया। आपराधिक कानून में सुधार के लिए गठित की गई राष्ट्रीय स्तर की इस समिति में दिल्ली की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति रणबीर सिंह सहित न्यायिक क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। यह समिति भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के तहत परिभाषित राजद्रोह के अपराध जैसे 49 तरह के अपराधों पर पुनर्विचार करेगी। यह विशेषज्ञ समिति हिंसक घटनाओं के लिए विशेष कानूनों की शुरुआत पर भी विचार कर रही है, जिसमें मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग जैसे अपराध शामिल हैं। यह समिति विशेषज्ञों से परामर्श कर अपनी रिपोर्ट के लिए अगले 3 महीने तक ऑनलाइन राय इकट्ठा करेगी। आपको मालूम होगा कि लॉर्ड मैकाले को भारत में आपराधिक कानूनों के संहिताकरण का मुख्य वास्तुकार कहा जाता है। साल 1834 में गठित पहले विधि आयोग की सिफारिशों पर चार्टर एक्ट 1833 के तहत 1860 में आपराधिक कानूनों के लिए खाका तैयार किया गया और 1862 के समय में ब्रिटिश भारत में लागू किया गया। भारत में आपराधिक कानून इंडियन पिनल कोड 1860, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के तहत संचालित किया जाता है। रणबीर सिंह समिति से इस बात पर भी सुझाव मांगा गया है कि क्या अपराध करने के लिए आपराधिक जिम्मेदारी की न्यूनतम आयु में बदलाव की आवश्यकता है। साल 2015 में कानून में 16 साल से अधिक उम्र के किशोर के साथ जघन्य अपराधों के लिए वयस्क के रूप में व्यवहार करने और आजीवन कारावास या मौत की सजा का प्रावधान किया गया था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के निदेशक क्रिस्टोफर रे ने वॉशिंगटन के हडसन इंस्टीट्यूट में बड़ा बयान देते हुए कहा कि चीनी सरकार की जासूसी और सूचनाओं की चोरी अमेरिका के भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा है। रे ने आगे कहा कि चीनी सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियानों में उसने विदेशों में रहने वाले चीनी नागरिकों को निशाना बनाना शुरू किया है, उन्हें वापस बुलाने पर मजबूर करने के साथ अमेरिका के कोरोना वायरस शोध को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है।
रे ने आगे बताया कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फॉक्स हंट नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत विदेशों में रह रहे चीनी नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, जिन्हें सरकार के लिए खतरा समझा जाता है। चीन उनको वापस बुलाने के लिए चौंका देने वाले हथकंडे अपना रहा है। उन नागरिकों को दो विकल्प दिए गए, चीन लौटो या खुदकुशी करो। FBI निदेशक ने ऐसे व्यक्तियों से कहा कि वो FBI से संपर्क कर सकते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ की पर्यावरणीय संस्था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP और अंतर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान ने COVID-19 को लेकर प्रिवेंटिंग द नेक्स्ट पेंडेमिक जूनोटिक डिजीज एंड हाउ टू ब्रेक द चेन ऑफ ट्रांसमिशन नाम की एक रिपोर्ट पेश किया है। 6 जुलाई 2020 को विश्व जूनोसिस दिवस के अवसर पर पेश की गई इस रिपोर्ट में जूनोटिक बीमारियों की प्रकृति और प्रभाव पर गंभीरता से चर्चा की गई। COVID-19 महामारी के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग ने एक अहम फैसला किया है। दरअसल केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए डाक मतपत्र के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने की इजाज़त दे दी है। यह फैसला इन आयु वर्ग के लोगों में कोरोना संक्रमण फैलने के मद्देनजर किया गया। आपको बता दें कि अब तक यह विकल्प केवल दिव्यांगजनों और 80 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए ही उपलब्ध था। पोस्टल बैलेट से वोटिंग की सुविधा कुछ खास वोटर्स के लिए ही उपलब्ध है, जिसमें सैन्य अधिकारी, सशस्त्र पुलिस बल, चुनावी ड्यूटी के लिए अपने राज्य से बाहर तैनात अधिकारी या उसकी पत्नी और देश से बाहर कार्यरत सरकारी अधिकारी आते हैं। इस प्रक्रिया में चुनाव आयोग पहले ही उनकी संख्या निर्धारित कर लेता है, फिर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बैलेट पेपर को वोटर्स तक पहुंचाया जाता है। उस बैलेट को मतदाता पूरी तरह से भरकर राजपत्रित अधिकारी से वेरीफाई करवाकर वापस इस फॉर्म को पोस्ट करता है। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI वर्षों से चिंता का कारण बना हुआ है। इस तरह से बढ़ते हुए वायु प्रदूषण के स्तर और इस संबंध में सामुदायिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के कार्यालय पार्क में एक शहरी वन स्थापित किया जाएगा। साल 2020 के विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम को ध्यान में रखते हुए और शहरी वन पर ध्यान केंद्रित करते हुए अगले 5 वर्ष में देश भर में 200 शहरी वन विकसित करने के लिए नगर वन योजना लागू करने की घोषणा किया है। चीन की विस्तारवादी नीति का एक उदाहरण भारत के पारंपरिक सहयोगी भूटान के साथ देखा जा रहा है। हाल ही में वैश्विक पर्यावरण सुविधा की ऑनलाइन बैठक में पूर्वी भूटान के सकतोंग वन्यजीव अभयारण्य के विकासात्मक परियोजना पर आपत्ति दर्ज कराते हुए चीन ने कहा कि यह भूटान और चीन के बीच विवादित क्षेत्र है। हालांकि भूटान ने चीन के इस दावे को खारिज किया और वैश्विक पर्यावरण सुविधा ने भूटान के वित्त पोषण को हरी झंडी दे दी है। जल्दी ही भारतीय रेलवे अपनी खाली पड़ी जमीनों पर सोलर पावर प्लांट लगाने जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से भारतीय ट्रेनों को सोलर पावर से चलाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 2030 तक रेलवे ने नेट जीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य में यह पहल एक बड़ा योगदान हो सकता है। भारतीय रेलवे विश्व की ऐसी रेल ट्रांसपोर्टेशन संस्था बनेगी जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करेगी। हाल ही में चीनी राष्ट्रगान का अनादर करने वालों को अपराधी घोषित करने के लिए हांगकांग विधायिका ने एक राष्ट्रगान विधेयक को भारी बहुमत से पारित किया। यह विधेयक कहता है कि सभी व्यक्तियों और संगठनों को चीनी राष्ट्रगान का सम्मान और इसकी गरिमा बनाए रखते हुए उचित अवसरों पर इसे बजाना और गाना चाहिए। यह विधेयक चीनी राष्ट्रगान का अपमान करने वालों को 3 साल तक की सजा या $6,650 का जुर्माना लगाने की पावर देता है। हाल ही में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने हीरा कारोबारी नीरव मोदी की तकरीबन 329.66 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। आपको बता दें कि देश में पहली बार भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत किसी संपत्ति को जब्त किया गया। मुंबई की एक विशेष अदालत ने इन संपत्तियों को जब्त करने के लिए CBI को अधिकृत किया था।
हाल ही में भारत सरकार के द्वारा यह जानकारी दी गई कि भारत फ्रांस के कदारसे में तैयार किए जा रहे दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संलयन रिएक्टर यानी इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर यानी ITER में अपने 50% योगदान को पूरा कर लिया है। यह परियोजना दुनिया की सबसे बड़ी शोध परियोजनाओं में से एक है जिसके अंतर्गत संलयन शक्ति के वैज्ञानिक और तकनीकी व्यवहार्यता पर कार्य किया जाएगा। मशहूर क्लिनिकल वैज्ञानिक और ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान यानी THSTI की कार्यकारी निदेशक गगनदीप कंग ने निजी कारणों का हवाला देते हुए 6 जुलाई को अपना इस्तीफा दे दिया। कंग को अंतर्विषयी शोध के लिए जाना जाता है। उन्होंने भारत में बच्चों के संक्रमण के संचार, विकास और रोकथाम पर काफ़ी शोध किया है। वह पहली भारतीय महिला हैं जिन्हें रॉयल सोसाइटी लंदन का फेलो बनाया गया था। अमेरिका ने औपचारिक रूप से खुद को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से अलग कर लिया है। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 7 जुलाई 2020 को इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि व्हाइट हाउस ने आधिकारिक तौर पर WHO से अमेरिका को बाहर कर लिया है, जिसकी जानकारी UN महासचिव को दे दिया गया है। आपको बताते चले कि ट्रंप सरकार ने कोरोना वायरस मामले में आरोप लगाया था कि WHO चीन के अधीन काम कर रहा है और साथ ही अप्रैल के महीने से अमेरिकी सरकार ने WHO को फंडिंग देना बंद कर दिया गया था। हाल ही में चीनी क्षेत्र इनर मंगोलिया के बयाननूर शहर में स्थानीय अधिकारियों ने बुबोनिक प्लेग सामने आने के बाद एक चेतावनी जारी किया। बुबोनिक प्लेग कोई नई बीमारी नहीं है, लेकिन इसका इलाज समय रहते न किया जाए तो यह बीमारी खतरनाक साबित हो सकती है। 14वीं शताब्दी में इसी बीमारी के कारण केवल यूरोप में तकरीबन 50 मिलियन लोगों की मौत हुई थी। यह बीमारी लसिका पर्व पर हमला करता है, जिससे सूजन, दर्द और मवाद बनता है। साथ ही मानव शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करके शरीर के अन्य भागों में भी फैल जाता है। यह बैक्टीरिया यर्सिनिया पेस्टिस के कारण होने वाला जीवाणुकारी संक्रमण है। चीन पर सिंजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों के नरसंहार और बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में रखने के आरोप लगते रहे हैं। अब उइगर मुस्लिमों के 2 संगठनों ने चीन की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ का दरवाजा खटखटाया है। ICJ में उइगर मुस्लिमों के केस की पैरवी लंदन के एक वकीलों की टीम करेगी। केस दाखिल करने वाले संगठनों का कहना है कि चीन द्वारा हजारों की संख्या में उइगर मुस्लिमों को कंबोडिया और ताजिकिस्तान से गिरफ्तार कर वापस लाया जा रहा है और उन्हें कानूनी तरीके से डिटेंशन कैंप्स में रखा जा रहा है। जिन 2 संगठनों ने मामला दाखिल किया है उनमें ईस्ट तुर्किस्तान गवर्नमेंट इन एग्जाइल यानी ETGE और ईस्ट तुर्किस्तान नेशनल अवेकनिंग मूवमेंट यानी ETNAM का नाम शामिल है। उइगर मुसलमान अपने आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसे चीनी सरकार दमन कर रही है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 8 जुलाई को एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत देश में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में किसान उत्पादक संगठनों, स्टार्टर्स, प्राथमिक कृषि शाख समितियों और कृषि उद्यमियों को 1,00,000 करोड़ तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना की अवधि लागू होने की तिथि से 10 वर्षों के लिए निर्धारित की गई है। नेपाल ने दूरदर्शन को छोड़कर अन्य सभी भारतीय समाचार चैनलों का प्रसारण बंद करते हुए आरोप लगाया कि भारतीय समाचार चैनल ऐसी खबरें दिखा रहे हैं जिससे नेपाल की राष्ट्रीय भावनाएं आहत हो रही हैं। वहीं दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास ने भारतीय चैनलों द्वारा नेपाल के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर की जा रही कवरेज पर अपने नज़रिए से अवगत करा दिया है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर भारत के द्वारा अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई। वहीं नेपाल के वित्त, सूचना एवं संचारण मंत्री युवराज खातिवार ने भारतीय समाचार चैनलों की निंदा करते हुए कहा कि भारतीय समाचार चैनल नेपाल के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। 4 जुलाई को चीन के बैडमिंटन खिलाड़ी लिनडैन ने संन्यास लेने की घोषणा की। लिनडैन को सदाबहार बैडमिंटन खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया जाता है। लिन ने अपने करियर में विश्व चैंपियनशिप के 5 स्वर्ण पदकों सहित 9 खिताब जीते हैं। साल 2000 में
अपने करियर की शुरुआत करने वाले 36 वर्षीय डैन ने 2008 में बीजिंग और 2012 में लंदन ओलंपिक खेलों में पुरुष एकल के स्वर्ण पदक विजेता रह चुके हैं। साल 2019 में लिन डैन ने अपने करियर का दूसरा मलेशिया ओपन खिताब जीता था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 5 जुलाई को खालिस्तान का समर्थन करने वाली प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस पर कठोर कार्रवाई करते हुए संगठन से जुड़ी 40 वेबसाइट्स को भारत में ब्लॉक कर दिया है। अमेरिका स्थित सिख फॉर जस्टिस एक खालिस्तान समर्थक समूह है। गृह मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस खालिस्तानी समर्थकों को पंजीकृत करने के लिए एक अभियान चला रहा है। इसे देखते हुए गृह मंत्रालय की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने संगठन की 40 वेबसाइट्स को IT एक्ट 2000 के तहत ब्लॉक कर दिया। दुनिया भर में अब तक कोरोना के तकरीबन 1,20,00,000 से ज़्यादा केस हो गए हैं। अमेरिका, ब्राज़ील और भारत में संक्रमण की रफ्तार और केसों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसी बीच अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी MIT की भारत पर की गई स्टडी में चौंकाने वाले खुलासे हुए। MIT के अनुसार अगर अगले साल के शुरुआत तक वैक्सीन नहीं आई तो दुनिया भर में तकरीबन 20 से 60 करोड़ के बीच केस होंगे। वहीं भारत इस दौरान कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश होगा। मर्सिडीज़ रेसर फिनलैंड के वॉल्टेरी बोटास ने Formula 1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीत लिया। यह प्रतियोगिता ऑस्ट्रिया के स्पिलबर्ग में रेडबुल रिंग ट्रैक पर 5 जुलाई को कराया गया। यह 2020 का पहला Formula 1 रेस था। इस रेस में दूसरे स्थान पर चार्ल्स लेक्लर और तीसरे स्थान पर लैंडो नॉरिस थे। आपको बताते चलें कि Formula 1 यानी F1 दुनिया की सबसे बड़ी रेस प्रतियोगिता है। इसका आयोजन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल यानी FIA नाम की एक संस्था करती है। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा गोल्डन वर्ड विंग को दिया गया। गोल्डन वर्ड विंग का वैज्ञानिक नाम ट्रायड्स एकेसस है। इसके पंखों की लंबाई तकरीबन 194 मिलीमीटर तक होती है। तितली की यह प्रजाति गढ़वाल से उत्तर पूर्वी राज्य और ताइवान और चीन में पाई जाती है। गोल्डन वर्ड विंग को 88 वर्षों बाद भारत की सबसे बड़ी तितली के रूप में खोजा गया। इससे पहले भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा 1932 में दक्षिणी वर्ड विंग को दिया गया था, जो कॉमन वर्ड विंग की उप प्रजाति है। इसके पंखों की लंबाई 150 से 190 मिलीमीटर तक होती है। यह गोवा के केरल तक पाई जाती है और इसका वैज्ञानिक नाम ट्रायड्स माइनस है। हाल ही में HDFC बैंक ने ई किसान धन ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए किसान फोन से ही बैंकिंग और कृषि सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। यह एप्लीकेशन किसानों को मंडी कीमतों, कृषि से संबंधित नवीनतम खबरों, मौसम की भविष्यवाणी, बीज किस्मों की जानकारी देने के साथ साथ कृषि प्रथाओं से संबंधित सभी आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराएगा। ओडिशा सरकार ने राज्य में भूमिहीन किसानों के लिए एक योजना शुरू किया, जिसके तहत राज्य में तकरीबन 7,00,000 भूमिहीन किसानों या अंशधारकों को ऋण प्रदान किया जाएगा। सरकार के इस योजना का नाम बलराम योजना है। यह योजना राज्य में भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस योजना के तहत जो किसान COVID-19 महामारी के खिलाफ देशव्यापी लॉकडाउन के प्रभावों के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, सरकार उसकी मदद करेगी। इजराइल ने हाल ही में अपना नया जासूसी सैटेलाइट OFEC-16 लॉन्च किया है, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस को उच्च गुणवत्ता की सर्विलांस यानी निगरानी में मदद करेगा। इजराइल लगातार अपनी निगरानी क्षमता को बढ़ा रहा है ताकि ईरान जैसे दुश्मन देशों पर नज़र रखी जा सके। मालदीव और श्रीलंका ने चेचक और खसरा के उन्मूलन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इसकी घोषणा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल ने किया। यह घोषणा चेचक और खसरा के उन्मूलन के लिए क्षेत्रीय पुष्टिकरण आयोग की 5वीं बैठक के बाद किया गया। दोनों देशों ने दोनों बीमारियों के उन्मूलन का लक्ष्य समय से पहले हासिल किया है। WHO ने इन बीमारियों के उन्मूलन का लक्ष्य साल 2023 तक निर्धारित किया था। भारतीय वायुसेना द्वारा 89 एप्लीकेशंस को बैन कर दिया।
सेना ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि बैन में शामिल सभी एप्लीकेशंस को भारतीय सैनिक तुरंत अपने स्मार्टफोन से हटा दें। यह ज़्यादातर एप्लीकेशन चाइनीज हैं। भारतीय सेना ने अपने कर्मियों के सूचनाओं को लीक होने से रोकने के लिए अपने स्मार्टफोन से टिकटॉक, ट्रू कॉलर सहित 89 एप्लीकेशंस हटाने के लिए कहा है। फिलहाल साप्ताहिक करंट अफेयर्स के इस खास सेशन में बस इतना ही। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस पूरे न्यूज़ बुलेटिन की PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।